यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर नई आरक्षण पॉलिसी जारी की गई है, जिसके 2015 को आधार वर्ष माना गया है। सभी पदों के लिए आधार वर्ष 2015 ही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नया आरक्षण जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले आरक्षित किए गए हैं। शामली, बागपत, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, नई आरक्षण पॉलिसी जो जारी की गई है, जिला पंचायत अध्यक्ष का नया आरक्षण जारी किया गया है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले आरक्षित हैं। इसके साथ ही शामली, बागपत, कौशाम्बी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई में भी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले जो है वो आरक्षित हैं। कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर। इसके साथ ओबीसी महिला के लिए 7 जिले आरक्षित हैं। बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़, वाराणसी, ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित। बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर, अलीगढ़ महिलाओं के लिए आरक्षित। तो जो नई पॉलिसी आई है, जो नई आरक्षण पॉलिसी है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 27 जिलों में कोई आरक्षण नहीं है। गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, अमेठी, श्रावस्ती और कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर और नोएडा।